नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है। मेरा फुल नेम श्वेता पात्र है। मैं ना अपना एक नया YouTube चैनल खोलने वाली हूँ जिसका नाम श्वेता क्रिएशंस है। तो मैं ना YouTube पे अपना एक YouTube फैमिली बनाना चाह रही हूँ जिसमें मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखें और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही तो मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और हाँ, आज मेरा पहला वीडियो है तो मैंने सोचा कि आज क्या किया जाए, वीडियो में क्या बनाऊंगी। बहुत सोचा कि तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मेरे मम्मी को मैंने पूछा हम आज क्या करें। तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि बेटा आज तो पहला दिन है वीडियो का, तो तुम कोई भी अच्छे काम की शुरुआत हम किससे करते हैं। तो मम्मी ने बोला कि मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेके आओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में ही वीडियो शूट किया जाए। तो मैं हूँ, सॉरी दोस्तों, मैं तो आपको बताना ही भूल गई मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ उड़ीसा बरमपुर से, ठीक है। तो मैं अपनी सिटी के एक मंदिर में गई, उसका नाम गोकुल धाम मंदिर है। तो उस मंदिर में मैं आज शूट करने वाली थी, और इतना शोर था कि मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मैं गई, भगवान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लेके आए। और हाँ, पर मैं इस मंदिर की कुछ झलकियाँ लाई हूँ आपके लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
कैसा लगा हमारा मंदिर, कैसे लगे हमारी कान्हा जी, है ना? बहुत ही आध्यात्मिक मंदिर है। मैं किसी दिन उस मंदिर की सारी हिस्ट्री, कैसे बना, किसने बनाया, सब कुछ बताऊंगी। हाँ, वहाँ पे मतलब प्रसाद सेवन का भी कुछ टिकट फॉर्मूला है, मैं वो सब इन्क्वायरी करके आपको बताऊंगी। जब आप हमारे गांव आएगा तो वहाँ पर ज़रूर घूमने जाइएगा। और कुछ अपडेट देना चाहती हूँ मेरे चैनल के बारे में। तो मेरे चैनल का नाम है श्वेताश क्रिएशंस। इस चैनल पर आप सब लोगों को लाइफ स्टाइल, कुकिंग, ब्लॉगिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, ब्यूटी, मार्केटिंग में जिस जिस बारे में जितना जितना जानती हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, आप लोग मुझे मेरा वीडियो देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। उस कमेंट में मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ और क्या ऐड कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है।